शादी के एक हफ्ते बाद से ससुराल वालों ने मारना पीटना शुरू कर दिया सर, इतनी बुरी हालात कर दी कि मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। नहीं नहीं ऐसा मामला तो कोई नहीं आया कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। ऐसी जरूर शिकायतें आ रही हैं कि लंबे समय से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसका अब मैंने सिस्टम बना दिया है। अब सारा जो है ये TTNS हमारा सिस्टम होता है जिसमें FIR दर्ज की जाती है, और उसका मैंने सिस्टम बना दिया कि इतने दिनों तक अगर SHO कार्रवाई नहीं करता तो फिर DSP करेगा, अगर DSP नहीं करता तो फिर ESP करेगा, ESP नहीं करता तो फिर SP करेगा, SP नहीं करता तो फिर IG करेगा, IG नहीं करता तो फिर ADGP करेगा। यहाँ तक अभी उसको हम लागू कर रहे हैं, और उसका जो डैशबोर्ड है वो चंडीगढ़ में मेरे दफ्तर पर है, मैं उसको खोल के देखता हूँ यदा कदा कि भाई कहाँ किसकी कितनी पेंडेंसी है, और उनको हम उनसे पूछते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सिस्टम हमने बना दिया, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमने सिस्टम बना दिया टाइम बाउंड FIRों को डील करने का, और ये जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो लेट लतीफ़ी करते हैं, टाइम पर इंसाफ नहीं देते हैं, उनके हम पूरी तरह से अब हम कार्रवाई कर रहे हैं सबके खिलाफ। मैंने अभी भी जितने अधिकारियों ने थानों से SP से मेरे पास इनपुट आया था कि उनकी जो पेंडेंसी है केसेस की, उसको मैंने सबसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आपके ये केस पेंडिंग क्यों पड़े हैं। नहीं रे ऐसा ऐसी बात नहीं है, बाकी जगह भी सारे सुनते ही होंगे, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं तो हर शनिवार को बैठता हूँ और हर शनिवार को लोगों को पता है, और लोग सारे हरियाणा से आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर किया जा सके। अनुभव है, और ये जो है ये बड़ी चिंता की बात है। दो चीज़ें, एक तो घर बहुत टूट रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई सामाजिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है कि घर टूटे ना। आप देखो बाहर अब भी कितनी लड़कियां खड़ी हैं कि जिनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का बात है, और ये हर कैंप में मैं ये देख रहा हूं कि लोगों के घर बहुत टूट रहे हैं। और दूसरा जो बच्चों का धर्म है कि अपने माँ बाप को वो जब बुजुर्ग हो गए, सारी ज़िंदगी की कमाई लगाकर उन्होंने उनको बनाया है, बड़ा किया है, और उसके बाद वो माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो ये जो है ये दोनों सामाजिक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और ये सारे देश में सारी संस्थाओं को, सारे नेताओं को, सारे धर्म गुरुओं को, सारी सामाजिक संस्थाओं को इसके लिए कंपेन चलानी चाहिए। नहीं अब ऐसा है कि अभय चौटाला तो अब 90 की विधानसभा में अकेले MLA हैं, अब वो बाकी सारों के बारे में ना बोलें, बाकी सारे अपना अपना सोचेंगे कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। बिहार में जो है करेंगे ना, हमारे पास जो आएगा हम करेंगे, तकलीफ है, दुख तकलीफ है, उसको सोल्व करने के साथ करते हैं, और अनिल विज हर व्यक्ति के साथ खड़ा है, हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। अभय चौटाला क्या, देखिए ऐसा है अब कुछ भी कहें वो नेचुरली, अब जनता ने उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया हरियाणा की जनता ने। अब कॉर्नर किया हुआ बंदा बोले भी ना, ये तो नहीं हो सकता, वो चैं 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 तो जरूर करेगा। नहीं ये देखिए अब राष्ट्रीय ध्वज के सिवाय कोई और ध्वज फहराया नहीं जा सकता, ये कुछ ताकतें हैं जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, और उन ताकतों का जवाब देने के लिए ही राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का अभियान चलाया है, और जम्मू कश्मीर में भी जाके देखो घर घर में तिरंगा लगा हुआ है, लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए लोगों को
राष्ट्रभक्ति की भावना से पूरी तरह से सराबोर करने के लिए, क्योंकि तिरंगे से बड़ा माध्यम और कोई हो नहीं सकता था कि जिसमें सारा देश भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न तौर तरीके, भिन्न भिन्न क्षेत्र, उन सब से उठकर एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगे का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, पहल कर दिया। अब ऐसा है, अब इनका नया नया आंख मिटका हुआ है तो अब एक दूसरे को एक दूसरे को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये कितने दिन रहती है इनकी दोस्ती ये देखना। ये सब नीतीश कुमार होंगे, आपको क्या दिखते हैं 2024? देखिए 24 क्या और 29 क्या, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इस देश का कल्याण केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को सारे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता के रूप का खिताब मिल चुका है। नरेंद्र मोदी आज हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज करता है। पंजाब में अब पंजाब वाले क्या करते हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो और क्या क्या करते हैं इसके अलावा मैं नहीं बताना चाहता। सर, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है कि आप इधर उधर की बात, भाजपा से पूछा इधर उधर की बात मत कर, ये बताएं कि महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा, महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया। अब देखिए, अब महंगाई अब पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं रोज़ाना नीचे आ रही है, और ये जो कोविड हुआ सारे वर्ल्ड में और इसका सारे इकॉनमी पर असर तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सफलतापूर्वक हिंदुस्तान की इकॉनमी को संभाला। अब ये ताज़ी नई दोस्ती हुई है और एक दूसरे को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, देखते हैं कितने दिन कौन किसके साथ रहता है।